नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर MCX शोरगेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारे इस चैनल पे ज़्यादातर वीडियोस ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के ही होते हैं, हम MT4, ME ब्रोकर और ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड एल्गो ट्रेडिंग के वीडियोस डालते हैं कि किस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म के साथ ब्रिजिंग करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू की और हम आपको बताएंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पर जो फ्री स्ट्रैटेजीज हैं, अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हैं और एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स आपको वहाँ पर मिलते हैं। इन सब बातों की जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस मिलेंगे। और जो हमारे रिटर्निंग कस्टमर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी समझ पाएँ किस तरीके से एल्गो ट्रेडिंग होती है और आगे एल्गो ट्रेडिंग कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होगा दोस्तों, वो होगा हमें ट्रेडिंग व्यू का एक प्रो अकाउंट लेना होगा। ठीक है, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट है तो आप उस फ्री अकाउंट के साथ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अगर आपका प्रो अकाउंट नहीं है तो आप एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रो अकाउंट के साथ वो एक चीज़ देते हैं जिसका नाम होता है वेबो QRL। वेबो QRL का मतलब ये होता है कि अलर्ट जो बनता है ट्रेडिंग व्यू पर, उस अलर्ट को किस तरीके से आगे भेजना है, उसको आगे भेजने के लिए कौन सा URL का यूज़ करना है, यानी कि कौन सी किस जगह उसको भेजना है, उसका एक बटन जो होता है वो एनेबल करके देते हैं वो। ठीक है, अगर आप प्रो अकाउंट लेते हो तो, अगर आपका फ्री अकाउंट है तो उस पर वो बटन नहीं होता, तो इसलिए उसमें ट्रेडिंग नहीं हो सकता। कई बार हमसे ट्रेडर्स पूछते हैं कि किस तरीके से प्रो अकाउंट के बिना ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपका प्रो अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल भी एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको परचेज करना होगा, $15 का उनका एक प्रो अकाउंट होता है पर मंथ का सब्सक्रिप्शन, उसको यूज़ करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना होगा प्रो अकाउंट, और प्रो अकाउंट के बाद आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन एल्गो क्रैब वेबसाइट पर। उसके लिए आपको जाना होगा www.elgocrab.com पर और वहाँ पर आपको साइन अप करके अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद क्या क्या प्रोसेस आपको करने हैं उसके बारे में हम आगे बढ़कर देखते हैं। तो सबसे पहले जब आपका एल्गो क्रैब पर अकाउंट ओपन हो जाएगा तो इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इस स्क्रीन में सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना है अपने ब्रोकर को अटैच करना। अपने ब्रोकर को अटैच करने के लिए आपको जाना होगा ऑथेंटिकेशन के टैब में। यहाँ पर जब आप ऑथेंटिकेशन के टैब में जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की डिटेल दिखेंगी, जहाँ पर ब्रोकर की डिटेल आपको डालनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको ऊपर दिए हुए URL पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, और ड्रॉप डाउन पर आपको अलग अलग ब्रोकर्स की डिटेल देखने को मिल जाएगी। जिस भी ब्रोकर का आपका अकाउंट है आप उस ब्रोकर की डिटेल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ एंजल ब्रोकिंग, तो मैं यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग सिलेक्ट किया तो मेरी एंजल ब्रोकिंग की क्रेडेंशियल्स यहाँ पर आ गई हैं। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर अपडेट करना होगा। आप अपनी क्रेडेंशियल्स पहली बार जब आएंगे तो डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप यहां पर अपडेट के बटन को प्रेस कर देंगे। अपडेट के बटन को प्रेस करने के बाद आपको नीचे गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना होगा। जब आप गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे और वो पेज रीडायरेक्ट होकर वापस आपको डैशबोर्ड के पेज पे ले आएगा, इसका मतलब यह है कि आपका टोकन आपको सक्सेसफुली मिल गया, यानी कि स्टेप वन और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप टू पर। स्टेप टू है कि हमें ब्रिज से अपने इंडिकेटर्स को देखना है, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, और उनको सेटअप करना है अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पर। ठीक है, उसके लिए हमें जाना होगा ब्रिज टूल के सेक्शन, और ब्रिज टूल के सेक्शन में आपको मिलेगा यूनिवर्सल ब्रिज। तो यूनिवर्सल ब्रिज पर जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों एक URL आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है वेबहुक URL फॉर ट्रेडिंग व्यू एंड ME ब्रोकर। ठीक है, अगर आप ME ब्रोकर या ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड करते हैं तो ये वेबहुक URL आपको यूज करना होगा। तो वेबहुक URL जो यहाँ पर आपको मिल रहा है ट्रेडिंग व्यू का, इस URL को आपको कर लेना है दोस्तों कॉपी। ठीक है, जब आप इसको कॉपी कर लेंगे तो उसके बाद आपको जाना होगा ट्रेडिंग व्यू पर। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन। ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पर जब आप जाते हैं और जब आप अलर्ट ऐड करते हैं, ठीक है, कोई भी अलर्ट आप अगर ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ पर जब आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है वेबहुक URL, जिस पर टिक लगाना है आपको, और ये जो URL मैंने यहाँ पर डाला ये यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है दोस्तों, अगर आपने ये नहीं किया तो आपका ट्रेडिंग नहीं होगा। ठीक है, ये टास्क कर दिया आपने। ये टास्क करने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, उसके बाद आपको इंडिकेटर को
यहाँ पर डालना होगा, यानी कि स्क्रिप्ट को पाइन स्क्रिप्ट बोलते हैं। ट्रेडिंग व्यू में पाइन स्क्रिप्ट होती है, MT4 में इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग MT4 के वीडियोस बनाते हैं तो मेरे जुबान पे MT4 ही इंडिकेटर ही जो है आ गया, इसलिए मैं बार बार इंडिकेटर बोल रहा हूँ। पाइन स्क्रिप्ट, ठीक है। तो पाइन स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट करना होगा। पेस्ट किस तरीके से करेंगे, अभी हम अपने प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और हमारे प्लेटफॉर्म पर देखिए आपको नीचे फ्रीबीज दिख रही हैं, ट्रेडिंग व्यू फ्रीबीज और एमी ब्रोकर फ्रीबीज, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू फ्रीबीज में आपको दो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का इंडिकेटर मिल जाता है। हाइकनाशी पे ट्रेड करना है तो हाइकनाशी की जो कैंडल ग्रीन और रेड होती हैं उनके हिसाब से अगर ट्रेड करना है तो, सुपर ट्रेंड पे ट्रेड करना है तो सुपर ट्रेंड का मिल जाएगा। MACD, पैराबोलिक्स आर, RSI, ठीक है। ये छः यहाँ पर पाइन स्क्रिप्ट हमारे तरफ से फ्री हैं। इन पाइन स्क्रिप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप हमारा ट्रेडिंग व्यू का ब्रिज यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए मैं सबसे पहले ही मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को डाउनलोड करता हूँ, तो उसके लिए जैसे ही मैंने कोड पे क्लिक किया, तो जब हम गेट कोड पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो इस तरीके से जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ना, इस तरीके से कोड आता है, ठीक है। इस कोड को हमें कर लेना है कॉपी। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करूंगा तो ये कॉपी हो गया, ठीक है। उसके बाद जाना होगा ट्रेडिंग व्यू में। नीचे आप देखेंगे पाइन एडिटर एक जगह लिखा है, वहां पर आपको कंट्रोल ए करना है नीचे क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पर आपको नीचे जहाँ पर पाइन स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उस पाइन स्क्रिप्ट पे डबल क्लिक करना है और वहाँ पर नीचे कंट्रोल ए कर लेना है और इस पर कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। जो ऊपर का कोड लिखा हुआ था उसको प्लीज़ रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सेव करना है। सेव में आप MA क्रॉस एल्गोक्रैब 2 MA क्रॉस लिखा हुआ है, उसके बाद अटैच टू चार्ट कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम इसे अटैच टू चार्ट करेंगे, ये देखिए चार्ट पर ही अटैच हो गई है मूविंग एवरेज की दो लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हम इनको सेटिंग कर सकते हैं, इसको जिस भी तरीके से आपको लगाना है। जैसे ये यहाँ पर 25 और 40 की मूविंग एवरेज दी हुई है, ठीक है। सिंबल यहाँ में गोल्ड का लग रहा है, यहाँ पे सिंबल हम इंडियन मार्केट का लगा देते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैंने सिल्वर माइक्रो का सिंबल यहाँ पर से निकाला, करंट कॉन्ट्रैक्ट और सिल्वर माइक्रो के कॉन्ट्रैक्ट पर ये ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको बाय और सेल के जो कुछ यहाँ पर टोस्ट दिखाई दे रहे हैं, ये टोस्ट बाय और सेल के सिग्नल के बारे में। अभी मूविंग एवरेज इसमें 25 और 40 की लगी हुई है, 25 और 40 के हिसाब से जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। अभी हमें इसको थोड़ा फास्ट करना होगा, हमें इस पर ट्रेड करके दिखानी होगी, तो उसके लिए मैं इसको बहुत फास्ट कर देता हूँ ताकि ये बहुत जल्दी जल्दी सिग्नल जनरेट करने लग जाए और हमारी ट्रेड्स जो है वो जल्दी से हो जाए और हम देख सकें कि ट्रेड किस तरीके से होती है अगर प्लेटफॉर्म के थ्रू कर दें तो। एक चीज़ आपको बहुत खास ध्यान रखनी है दोस्तों, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करेंगे तो दिन में आपके 100-150 ट्रेड से ज़्यादा हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको इस तरह दिखा रहा हूँ कि जब एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो सिग्नल आता है तो सिग्नल की ट्रेड किस तरीके से होती है, ठीक है। सिर्फ ये देखने के लिए आपको बिल्कुल भी ये पैरामीटर्स चेंज नहीं करने, आप अपने हिसाब से जो भी आप लगाना चाहते हो वो पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये 1 और 2 के जो पैरामीटर मैं लगा रहा हूँ, 1 पीरियड और 2 पीरियड की मूविंग एवरेज, ये सिर्फ इसलिए कि सिग्नल जनरेट हो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर टारगेट पॉइंट में हम लिख देते हैं कि हमें 50 पॉइंट का टारगेट चाहिए और स्टॉप लॉस में भी हम लिख देते हैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए। अब आ गया यहाँ पर ऑप्शन यूज़र की और इंस्ट्रूमेंट की का दोस्तों, ठीक है। यूज़र की और इंस्ट्रूमेंट की हमें मिलेगी एल्गो क्रैब से, हमें एल्गो क्रैब पे जाना है और यहाँ पर हमें सिंबल क्रिएट करना है जिसमें हमें ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे सिल्वर मिनी का सिंबल क्रिएटेड है, ठीक है। आप अगर सिल्वर माइक्रो को करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिल्वर माइक्रो लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिल्वर माइक्रो का 22 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट ये मैंने सेव कर दिया, MIS लगा दिया, क्वांटिटी 1 कर दी, ठीक है। और उसके बाद इसको सेव चेंजेस कर दिया। सेव चेंजेस करने के बाद इसमें 2 डिटेल मिलेंगी मुझे, एक यूज़र की और एक इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से यूज़र की कॉपी कर लेता हूँ और यूज़र की को यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ठीक है। यूज़र की मैंने यहाँ पेस्ट कर दी, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की हमें पेस्ट करनी होगी, तो इंस्ट्रूमेंट की मैंने यहाँ से ली और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, उसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे एरो सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है, जल्दी जल्दी सिग्नल बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें दिखा रही हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसका अलर्ट क्रिएट करना होगा। अलर्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सिंबल का नाम सुपर ट्रेंड लिखा है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें एल्गो क्रैब सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एल्गो क्रैब की API हिट होंगी, वंस पर बार क्लोज ये हमें क्लिक करना है, यानी कि एक बार क्लोज होने के बाद एक बार ही ट्रेड आना चाहिए, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। नीचे कुछ अपने आप कोड आ जाएगा, ठीक है। इस कोड से हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें छेड़ना भी नहीं है, हमें क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड पर आपको ये दिख गया, अलर्ट क्रिएट होने का ऑप्शन आ गया। अब कोई भी नया अलर्ट आएगा तो ये अलर्ट देगा और साथ ही साथ ये देखो अभी अलर्ट आया था ना, अलर्ट आया लेकिन अभी ट्रेड नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इसको स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अब जब नया सिग्नल आएगा तो ट्रेड होगा, फिर मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट पे भी दिखाऊंगा और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे भी दिखाऊंगा किस तरीके से सिग्नल का जो
कन्फर्मेशन आपको मिलता है, ठीक है। तो मीनवाइल हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 6 अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। अगर आप इन 6 स्ट्रेटजीज के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप कोई और अपनी स्ट्रेटजी बनवाना चाहते हैं तो वो भी हम बना के दे देंगे। उसके लिए वन टाइम आपको डेवलपमेंट चार्जेस देना पड़ेगा। आप चाहते हैं हम आपको MT4 में बना के दे देंगे, आप चाहते हैं ट्रेडिंग व्यू में बना के दे देंगे, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शन का डेटा नहीं आता। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आप MT4 ब्रिज के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। MT4 ब्रिज के बारे में काफ़ी सारे वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप उन वीडियोज को देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। अभी देखिए एक नया अलर्ट आया, ठीक है। नए अलर्ट के बाद हम देखेंगे किस तरीके से ट्रेड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है हमें सिल्वर माइक्रो का ट्रेड हुआ 22 फरवरी सक्सेस और ये ऑर्डर मैसेज आ गया, ठीक है। अब हमें जाना कहाँ होगा, अब हमें अपने एंजल के अकाउंट में जाना होगा। एंजल के अकाउंट में मैं गया trade.angelbroking.com। अब मैंने यहाँ पर लॉग इन किया, ठीक है ठीक है। तो ये मैंने लॉग इन कर दिया। अब यहाँ पर जब हम ऑर्डर्स पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें ऑर्डर दिख रहा है, देखो ये लिखा हुआ है नीचे मैसेज आ रहा है, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनसफिशिएंट वन -320 रुपये, 7,000 रुपये का फंड रिक्वायर्ड है एक सिल्वर माइक्रो में ट्रेड करने के लिए। ये मेरा डेमो अकाउंट है क्योंकि इसमें मैं ट्रायल दिखाता हूँ लोगों को, तो रियल ट्रेडिंग नहीं करता। यहाँ पर ऑर्डर चला गया एक्सचेंज में, बाकायदा रिजेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रेडिंग व्यू काम करता है। अभी देखो एक और अलर्ट आया, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पर सेल का सिग्नल आया था, उसके बाद बाय का सिग्नल आया, उसने डबल ट्रेड किया है क्योंकि पहला सेल का जो सिग्नल है उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया और उसके बाद से नया ट्रेड बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू पर करना चाहें तो सिंपल प्रोसेस है ट्रेडिंग व्यू का, आपके पास प्रो अकाउंट होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर से अलर्ट को बंद करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये पॉज का बटन है, इससे मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ, या फिर मुझे इसको डिलीट करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट डिलीट का बटन आता है, डिलीट करके यस करूँगा तो ये अलर्ट डिलीट हो गया। ट्रेडिंग व्यू का एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट लगा के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं इस चीज़ को। और क्या होता है कि ट्रेडिंग व्यू चल रहा हो आपकी स्क्रीन पे, नहीं चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आपने अलर्ट क्रिएट कर दिया तो, और आपने एक्सपायरी की वहाँ पर टाइम डालना पड़ता है, डेट डाल दी ना, तो उतनी देर तक ये अपने आप लगातार ट्रेड करता रहेगा। आपको VPS लेने की ज़रूरत नहीं होती। VPS के बारे में बता देता हूँ, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है, वो एक मशीन होती है वर्चुअल जो जिसको हम क्लाउड से एक्सेस करते हैं, और उसकी एक लॉगिन IP एड्रेस होता है, एक यूजर नेम पासवर्ड होता है। जब हम उसको यूजर नेम और पासवर्ड और IP एड्रेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो एक डेस्कटॉप की तरह की स्क्रीन खुल जाती है और उसके अंदर हम सारी चीजें रख के स्टोर कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि वो 24 आवर्स और 7 डेज लगातार चलता रहता है, तो हमें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती लैपटॉप या मशीन की, क्योंकि अगर आप अपनी मशीन चलाते हैं तो हमें रात को मशीन बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। कई बार लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी ये तो कंप्यूटर खराब हो सकता है, इसलिए लगातार चलाते नहीं है, बंद कर देते रात को। तो VPS आप ले सकते हैं। अगर आपको इस तरीके की पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो आप VPS ले सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए VPS की जरूरत पड़ती है अगर आप MetaTrader 4 के साथ करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू के साथ करते हैं आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपायरी का डेट का ऑप्शन आता है, वहां पर आप डेट डाल दीजिए और उसके बाद लगातार इसको चलने दीजिए, ये चलता रहेगा, ट्रेड करता रहेगा। तो यहाँ पर 6 अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जैसे मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। इन 6 में से कोई भी आप डाउनलोड करके कोई भी रन करके चला सकते हैं। प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वही प्रोसेस रहेगा। प्रोसेस में एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, वो ये कि चार्ट में जब आप इंडिकेटर लगाएंगे तो जो पैरामीटर आपने सेट किया है वो आपको सबसे पहले सेट कर लेना है, ठीक है। एक बार आपने अलर्ट लगा दिया उसके बाद आप पैरामीटर सेट करने चेंज करने जाएंगे वो ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है। एक बार सबसे पहले आपको पैरामीटर्स और सारी चीज़ें सेट कर देनी है, उसके बाद ही अलर्ट लगाना, उसके बाद अलर्ट चलाना है, ठीक है। पहले से अलर्ट चलाओगे तो काम नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों आइए हमारे प्लेटफॉर्म पर algocrab.com पर और लीजिए 6 डेज का फ्री ट्रायल, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।